ना बोलने की आज़ादी है, एक घुटन सी माहौल है कि नौजवान महसूस करते हैं। हमें ये कमेंट सुनाई पड़ते हैं कि इतना ही तुम लोगों को पाकिस्तान से नफरत है तो जाके इंडिया बस जाओ। 1947 से लेकर अभी तक हर दौर में हमें ये बावर कराया गया कि आप लोग गद्दार हैं, आप लोग वफादार नहीं है। और जो हमसे थोड़ा सा अच्छा सलूक रखते भी हैं या कम से कम हमारे लिए थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर जिसे कहूंगा रखते भी हैं, वो भी अब डर गए हैं बेसिकली। वो भी हमें सबके सामने एक्नॉलेज नहीं करेंगे। आजादी की खुशी की गल होवे जां फिर वंड दा गम, पाकिस्तान विच 14 अगस्त वक् वक् लोकां लई वक्खो वक् मायने रखती है। पर पाकिस्तान विच एक तबका अजिहा भी है जो भावें वक् वक् भाषावां बोलता है जां वक् वक् मजहबां नाल ताल्लुक रखता है अते इन्हां नूं लगता है कि इन्हां नाल इक्को जिहा वतीरा नहीं हो रहा। पाकिस्तान की आज़ादी के 75 साल पूरे होने मौके BBC ने कुछ घट गिणती भाईचारे के लोगों नाल गलबात की। असी इन्हां नूं पुछा कि वह खुद नूं पाकिस्तान का हिस्सा मानते हैं अते अगले 25 सालां विच वो अपनी कम्युनिटी लई किहो जिहा पाकिस्तान देखना चाहते ने। कोई भी आके हमारे मंदिरों की तजलील करके जाए, कोई सिक्योरिटी नहीं। कोई भी आके हमारी बच्चियों को 12-12, 13-13 साल की बच्चियों को कोई भी हाथ से पकड़ के किडनेप करके उसकी रातों रात शादी करवा के फिर हमें दस्तावेज दिए जाते हैं कि आपकी बच्ची 13 साल की नहीं, आपकी बच्ची तो पूरी 18 साल की है और 40 साल के 50 साल के बाबा से उसको प्यार हो गया था जिसकी वजह से वो भाग के निकली है और उसने इस्लाम कबूल करके शादी कर ली है। ये हाल है हमारा। 1947 से लेकर अभी तक हम तो महसूस कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान कैसे, लेकिन अभी तक रियासत ने, पाकिस्तान ने उस तरह का रवैया हमारे साथ नहीं रखा जिस तरह होना चाहिए था। हर दौर में 1947 से लेकर अभी तक हर दौर में हमें ये बावर कराया गया कि आप लोग गद्दार है, आप लोग वफादार नहीं है। अब एक अहमदी जो इस्लामाबाद लाहौर में होता है उसका बिल्कुल एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा। एक जो रब्बा जो हमारा हेडक्वार्टर भी है वहाँ जो पला बड़ा है उसका बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। लेकिन मैंने पहली दफ़ा एक्सपीरियंस जो किया था कि शायद हमसे ना सिर्फ ये कि हम अलग हैं बल्कि हमसे एक नफरत का एक सलूक किया जाता है, वो हमारे 28 मई 2010 में जब हमारी बैतुल जिक्र की गड़ी शाह में और मॉल टाउन में हमला किया गया था। उसके बाद जो मैंने हमारे आम शहरियों का रवैया देखा लाहौर के अंदर, उसने मुझे बहुत ठेस पहुँचाई कि जैसे ना सिर्फ ये कि मैंने लोगों को बाकायदा जश्न मनाते हुए देखा, उस वक्त मुझे एहसास हुआ। और मैंने टीवी पे जिस तरह कवरेज देखी, सियासतदानों के बयान देखे, ब्यूरोक्रेसी के मैंने देखा, उस वक्त मुझे पहली दफ़ा एहसास हुआ कि जैसे हम लोग ना सिर्फ ये कि सौतेले नहीं है या बिल्कुल अलग नहीं है बल्कि हमसे एक नफरत की जाती है और हमारे मरने पर खुशी मनाई जाती है। अब तक हम बलोच या कि बलूचिस्तान के तुलबा नौजवान हमें इस तरह की कोई चीज़ महसूस नहीं कराई गई है कि हम ये समझें कि वाकई हम एक आज़ाद माहौल में रह रहे हैं। शुरू में मुझे लगता था जब मैं छोटा था कि शायद ऐसा ही होता है, तो मुल्क के दीगर हिस्सों में भी शायद ऐसे ही चेक पोस्टें होती होंगी, वहाँ पे नौजवानों को उस बाइक से उतार के उनके लंबे बाल जो बलोची सकाफत की एक निशानी होती है उनको काटते होंगे या बड़े घेर वाले शलवारों को काटते होंगे। लेकिन जब मैं पहली बार बचपन में लाहौर गया और कोई फोर्ट मनरू से निकलने के बाद कोई 600-800 किलोमीटर का सफ़र जब मैंने लाहौर तक तय किया और मुझे जब एक भी चेक पोस्ट वहाँ पे गैर ज़रूरी नज़र नहीं आया तो मुझे ये एहसास हुआ कि नहीं, मतलब ऐसा नहीं है जैसा मैं सोच रहा था। पंजाब में या और बलूचिस्तान के शहरियों में फ़र्क है और रियासत का जो बर्ताव है इन दोनों खत्ते के लोगों से वो मुख्तलिफ है। असी इन्हां नूं पुछा कि आखिर तुहानूं कदों ये पहली बार एहसास होया कि तुसी पाकिस्तान दे होर तबकियां तों अलहदा हो। जैसे हम ऐसे करके मिलते हैं, सारे सिंधी ऐसे मिलते हैं, ये कोई हिंदुओं की सिंबल नहीं है, इस पूरे सिंध की सिंबल है। ये जैसे साड़ी है,
हमारी अच्छी अच्छी जो प्री पार्टीशन से जो लेडीज़ थी वो साड़ी पहनती थी। अब आपने वो मखसूस कर लिया कि साड़ी हिंदू पहनते, ये चीज़ नहीं है, ये इस खत्ते का कल्चर है जिसके मानने वाले सिर्फ हिंदू नहीं थे, हर जगह पे आप सिंधी की बुक हो या इंग्लिश की बुक हो या साइंस की बुक हो, उसके नाम पे आप दूसरों को मज़हब की इंतहा पसंदी तो ना सिखाएं। ये आपकी जनरेशन और नस्लों को भी तबाह करने की वो है। जब एक मुस्लिम बच्चा ये पढ़ता है कि हिंदू के टेंपल को फतेह करना एक फतेह है, तो आप ये सोचें तो किस तरह का माइंड सेट आप बना रहे हैं। अगर पंजाब के लोग गालियाँ दे इदारे को, फौज को, आप ही आपने देखा होगा हर रोज़ ट्रेंड चलाते हैं, उसको कोई कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अगर हम थोड़ी सी भी गलती कर ले तो ये लोग हमें जेलों में डालते हैं और हमें ये एहसास दिलाते हैं कि आप लोग बतौर पाकिस्तान के शहरी हमारे साथ बराबर नहीं है। पहले हमें लगता था शायद कोई ख़ास तबका है, ख़ास उलमा है, ख़ास मजहबी मदरसा के तालिब इल्म है, ख़ास तबका है जो हमारे ख़िलाफ़ है। अब ये लगता है कि हर तबके के लोग हमारे ख़िलाफ़ हैं, और जो हमसे थोड़ा सा अच्छा सलूक रखते भी हैं या कम अज़ कम हमारे लिए थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर जिसे कहूँगा रखते भी हैं, वो भी अब डर गए हैं बेसिकली, वो भी हमें सबके सामने एक्नॉलेज नहीं करेंगे। अब भी काफ़ी तादाद में स्टूडेंट्स आपके जो है ना पढ़ा लिखा तबका लापता है, मिसिंग है, उसके लिए हम रोडों पे निकलते हैं, उसके लिए हम एहतजाज करते हैं, लेकिन फिर भी जो है ना किसी की सुनवाई नहीं होती। असी इन्हां नूं इह भी पुछया कि आने वाले 25 सालों दे विच तुसी अपने भाईचारे लिए किहो जिहा पाकिस्तान देखना चाहोगे। हम एक ऐसा बलूचिस्तान या एक ऐसा सोसाइटी, जमहूरी सोसाइटी देखना चाहते हैं, वहाँ पर सवाल उठाने वालों को उठाया नहीं जाए, बल्कि सवाल उठाने वालों के जो सवालात हैं, उनके खदशात हैं, उनका रिस्पॉन्स दिया जाए पॉजिटिवली, और उन मसाइल को एड्रेस करने वाले जो होते हैं उनके मसाइल को हल किया जाए। सो इस तरह के बेतहाशा अहमदियों ने अपनी इस मुल्क की खिदमत के लिए अपना वक्त दिया है, तो मेरी ही ख्वाहिश है और दुआ भी है कि अल्लाह करे कि पाकिस्तान में आगे जाके हालात भी अच्छे हों और तमाम अकलियतों को बशमूल अहमदियों के भी हालात बेहतर हों। हम तो इस तरह पाकिस्तान चाहते हैं आइंदा 25 साल में, पहले भी इससे भी चाहते थे 25 साल भी और आइंदा के लिए भी इस तरह पाकिस्तान चाहते हैं जहां पर हर शहर के लोग के हकूक एक जैसे हो, कि हमारा आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, लाहौर के लोगों का, पेशावर के लोगों का कोई ताल्लुक नहीं है, एक चीज़ हमें जोड़ते आपस में और वो है आइन पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान आइन पर अमल दरामद करेंगे तो बहुत बेहतर तरीके से हम एक दूसरे के साथ चल सकते हैं। रिगार्डलेस ऑफ द मज़हब, हर नस्ल के लोग को बराबर अपॉर्चुनिटी हो। अब मसला ये हो गया है कि ये जो मुल्क जो दो मज़हब के नाम पे बना था, तो उन्होंने हमें तो माइनॉरिटी का शेल्टर देके आपने एक साइड में धकेल दिया है, लेकिन कोई इस रियासत से पूछे कि क्या आपके यहाँ मेजॉरिटी भी सेफ है,